क्या बीजेपी को भगवा रंग से ही दिक्कत होने लगी है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए एक लंबी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। केशव के पास ऐसा कौन सा जादू है कि वो दिल्ली आलाकमान के पास पहुंचकर इस जादू का असर छोड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व ब्रांड एम्बेसडर वाली छवि से बीजेपी को दिक्कत हो रही है। क्या अखिलेश यादव के पीडीए की वजह से योगी आदित्यनाथ के भगवे की बजाय बीजेपी को पिछड़ा और दलित चेहरा चाहिए? क्या केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनके चेहरे पर चुनाव हुआ तो बीजेपी 2027 चुनाव जीत जाएगी? अयोध्या हार के पीछे क्या केशव प्रसाद मौर्य ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी के भगवा के नाम पर हिंदू जातियों में बट जाएगा और वो आपके साथ नहीं आएगा? आज इसीलिए इस पूरी खबर में पोस्टमार्टम करते हैं। सवाल ये कि क्या योगी के भगवा रंग से ही बीजेपी में परेशानी बढ़ गई है? जाति में फंसी हुई बीजेपी इसीलिए भगवा रंग नहीं पिछड़ा मांग रही है? केशव पक्ष का दावा है कि योगी को नहीं बदला तो सत्ता चली जाएगी। केशव पक्ष का ये भी दावा है कि यूपी में भगवा नहीं पिछड़ा नेता चाहिए। केशव दिल्ली में ये कहकर आए कि अगर योगी के चेहरे पर 2027 का चुनाव होता है तो हिंदू जातियां अलग अलग बट जाएंगी, जिसके कारण बीजेपी 2027 में चुनाव करारी हारेगी और अखिलेश यादव जीत जाएंगे। बीजेपी अयोध्या, चित्रकूट और बद्रीनाथ हार गई हिंदू नारे से, हिंदू बाहुल्य सीट भी बीजेपी हार गई है। अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया वो बीजेपी की नई टेंशन बन गई और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का भगवा रंग कम पसंद आने लगा और वो उसी पैटर्न पर चलने लगे जिस पैटर्न पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी चल रहे थे। पीडीए में कुल 82% वोटर आते हैं जो बीजेपी की टेंशन है। केशव पक्ष का ये दावा है कि योगी ठाकुर हैं, वो नहीं जीत पाएंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि काम से ज़्यादा ज़रूरी है जाति, लेकिन हिंदू जाति में बटा इसीलिए कमज़ोर पड़ गए योगी। दरअसल यूपी में कुल 100% वोटर में 82% ओबीसी, एसटी, एसटी और मुस्लिम हैं। योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, यूपी में ठाकुर वोटर्स की संख्या 5% मात्र है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आलाकमान को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी जाति ही 5% है उन्हें आखिर क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया है, या उन्हें आखिर क्यों इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का यही वो दावा है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जैसे विशाल लीडर और अमित शाह जैसे राजनीति के चाणक्य योगी के नाम पर मंथन कर रहे हैं, और यही वो बात है जिस पर आरएसएस और बीजेपी में फूट पड़ी है। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या यूपी में 10% बताई जाती है जबकि वैश्य भूमिहार की संख्या 2% है। यूपी में सवर्ण वोटर्स की सिर्फ 18% संख्या है। यही कहा जा रहा है कि कोई दलित लाइए, कोई यादव लाइए, कोई मौर्य लाइए, कोई ओबीसी चेहरा लाइए, योगी को हटाइए। केशव पक्ष का दावा ये तक है कि योगी ठाकुर हैं, दलित ओबीसी एससी एसटी वोट उन्हें नहीं देंगे। योगी के हटते ही सवर्णों का 18% वोट बीजेपी से दूर चला जाएगा। इस सवाल का जवाब केशव पक्ष के पास नहीं है। योगी हिंदू हैं, लेकिन क्या हिंदू एक मुश्त वोट देगा? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको मिल जाए। भारत में हिंदुओं की ज़्यादातर आबादी जाति में बटी है। विपक्ष इसीलिए जाति जनगणना की बात कर बांटने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को यह आभास हो रहा है कि भगवा नहीं पिछड़ा चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जाति के आगे हार जाएंगे। ऐसा नैरेटिव केशव प्रसाद मौर्य के गुट द्वारा दिल्ली के आलाकमान को समझाया जा रहा है। अगर यूपी में बीजेपी योगी को हटा देती है तो आप क्या कहेंगे? केजरीवाल को पता है कि हिंदुओं को एक योगी कर सकते हैं, लेकिन कोई और नहीं कर सकता। सर्वे कहते हैं कि योगी के नाम पर हिंदू एक हो सकता है, दलित हो, ओबीसी हो, स्वर्ण हो, कोई भी जाति हो। योगी के काम पर, उनकी कानून व्यवस्था पर, माफिया मुक्त यूपी बनाने की कोशिश पर और उनकी ईमानदारी पर वोट कर सकता है अगर योगी ने रोजगार और बीच का विकल्प निकाल लिया तो। इसलिए केजरीवाल से लेकर केशव तक पीछे पड़ गए हैं कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर किसी ऐसे नेता को बैठना चाहिए जो हिंदुओं को जाति में बांटता रहे। खासतौर से विपक्ष यानी अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यही कोशिश है, इसलिए बीच चुनाव में इस तरीके का बयान योगी आदित्यनाथ के लिए दिया गया।
यही कारण है कि जातियों के बंटवारे ने देश ही नहीं अपनी जाति चुनी। योगी को काम से या आप अपनी जाति से देखना चाहेंगे या आपको तय करना है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो देश में एक दिन जो व्यवस्था बनने वाली है वो व्यवस्था आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ को पूरी बीजेपी में इस बार इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ रहते हैं तो बीजेपी को 82% वाला पक्ष वोट नहीं करेगा और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के चांस ज़्यादा हैं। अब ये दावा सही है तो हिंदुस्तान को एक दिन सीरिया बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सीरिया में 75% सुन्नी आबादी है, 25% शिया मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ साल 1970 के बाद से ही शिया की सरकार चलती है। ऐसा यहाँ भी होने वाला है या हो सकता है, क्योंकि जिसकी आबादी ज़्यादा वो बट जाएगा और जिनकी आबादी कम है वो एकता के साथ जाएंगे और वो अपनी सरकार बना लेंगे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ को हटाने के पीछे या उनकी सियासत को विराम देने के पीछे पूरी बीजेपी में सबसे बड़ा लॉजिक यही है। बहरहाल बीजेपी के लिए मजबूरी नहीं है योगी आदित्यनाथ को हटाना, क्योंकि हिंदू योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। जनता के लिए अब योगी ज़रूरी बन गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि 2027 में आखिर चुनाव कौन लड़ेगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।